अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आईजीएस, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आई होप कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर अच्छे जा रहे होंगे, क्योंकि ईद उल अज़हा की भी आमद आमद है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कराची में आने वाली जो मुख्तलिफ अकसाम की गायें हैं उनका विजिट किया जाए, और उनके हवाले से यानी कि जो भी उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन है एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए, ताकि आप इस हवाले से भी बायोलॉजिकल जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है डिफरेंट काउ की कि क्यों वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, तो उससे भी जो है वो आप वाकिफ रहें। तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि सबसे पहले हम जो है वो गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 जहां का रैम्बो बहुत मशहूर है, तो क्यों ना वहां जाया जाए और वहां जाकर जो है वो देखा जाए कि ऐसी कौन सी जो है वो ब्रीड है, यानी नस्ल कौन सी है वो, और क्या उसकी खुराक है जो वो इतना जो है वो मशहूर हो गया है। तो चले सबसे पहले हम जो है वो गुलशन इकबाल निकलेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम जेडीसी के भी जानवर देखेंगे। तो एक तरीके से ये हमारा जो है वो ईद उल अज़हा स्पेशल व्लॉग है, लेकिन इंफॉर्मेटिव व्लॉग है। तो आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे पढ़ाई से हटकर। तो चले देर किए बगैर चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। जैसे ही हम कॉन्टिनेंटल बेकरी वाली गली पर पहुंचे तो यहाँ पर एक अलग ही गहमा गहमी थी, जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। गली के स्टार्ट पर एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और रश भी काफी ज्यादा था। थोड़ा गली के अंदर गए तो सबसे पहले हमें बड़ी आला नस्ल के बकरे देखने को मिले। इन बकरों में गुलाबी नस्ल भी थी और इसके अलावा यहाँ पर आला खुराक पर पलने वाले खस्सी बकरे भी मौजूद थे। और फिर थोड़ा सा ही आगे चल के हमारे पास यहाँ पर मौजूद थे बहुत आला किस्म की बड़ी बड़ी गायें, जिसमें ये रैम्बो मौजूद है। इस रैम्बो के बारे में जब हमने पता किया तो पता चला कि ये ऑस्ट्रेलियन बैल है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, तभी इतना जो है वो यूनिक सा है। अगर आप इसकी आई लैशेज देखें तो इसकी आई लैशेज जो है वो वाइट वाइट हैं, और इनकी ज़रा टांगे छोटी होती हैं और जिस्म जो है वो इनका बड़ा होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की या डिफरेंट किस्म की जो है यहाँ पर गायें मौजूद थी बड़ी बड़ी। रैम्बो देखने के बाद फिर हम यहां से जेडीसी की तरफ निकले। जेडीसी के हुदूद में एंटर होते ही हमारे पास यहां पर बहुत सारे ऊंट मौजूद थे, अनगिनत ऊंट थे, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। और इन ऊंटों की खास बात ये थी कि ये सफेद कलर के ऊंट थे और सारे के सारे ऊंट जो है वो एक ही तरह के थे। फिर हम थोड़ा आगे गए तो जरा मुख्तलिफ किस्म के ऊंट देखने को मिले, जो अपने जो इनकी बॉडी थी उससे लग रहा था ये किसी कोल्ड एनवायरमेंट से हैं, शायद के स्कर्दू के हों, क्योंकि इनकी बॉडी पर मौजूद बाल हेयर ये शो कर रहे थे कि इन्होंने कोई एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन की वजह से इन पर ये बाल हैं, क्योंकि ठंडे इलाकों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो जानवर उस सर्दी से बचने के लिए जानवर के जिस्म पर जो है वो बाल उगते हैं। तो ये भी एक अलग किस्म पहली दफा देखने को मिली। थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर मौजूद थे चांद बैल, जिनके बहुत बड़े बड़े सींग थे। तो यहाँ पर आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि ये जो काऊ के जो सींग होते हैं वो कैरेटिन के बने हुए होते हैं, और इनके ऊपर एक कैरेटिनाइज एपिडर्मिस होती है जो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। तो इन चांद बैलों के आगे यहाँ पर मौजूद थी एक भैंस जो कि थोड़ी डिफरेंट किस्म की थी, और उसके बराबर में ही एक व्हाइट कलर का जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैल मौजूद था जो कि थोड़ा पिंकिश था। और उसके बाद मैंने देखा एक दाढ़ी वाला बकरा, ये इसकी देखें आप कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। वापसी पर हमने सोचा कि किसी अच्छी जगह से डिनर कर लिया जाए।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।